हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं भी सो के उठा कुछ समय पहले। तो दोस्तों, आज से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जो के बी एस की। दोस्तों, आप जानते होंगे कि के बी एस का फॉर्म कुछ महीने पहले निकला हुआ था, जिसका फॉर्म मैंने डाल दिया था नॉन टीचिंग का। तो दोस्तों, मैं उसी का तैयारी करने वाला हूँ। हालांकि मैं पहले नहीं करता था तैयारी, क्योंकि मेरा SSC GD का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक था, तो मैं उसी पे लगा हुआ था। और कुछ ही दिन में पहले मेरा SSC GD का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और अब एक महीना बचा हुआ है। एक मंथ में देखता हूँ कि कितना पढ़ पाता हूँ। हालाँकि मेरा एग्ज़ाम 1 मार्च से 5 मार्च के अंदर है, तो देखता हूँ क्या पढ़ पाता हूँ। एक प्रैक्टिस सेट मैंने लिया हुआ हूँ, ये देख सकते हो, इसी से मैं तैयारी कर रहा हूँ और देखता हूँ क्या। हालांकि SSC GD और KBS का सिलेबस सेम ही है, लेकिन KBS में सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर है जो मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी सिलेबस तो सेम ही है। तो चलिए देखता हूँ कैसे पढ़ता हूँ। हालाँकि मेरे पास कंप्यूटर की कोई बुक नहीं है, मुझे कंप्यूटर तो ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, तो देखता हूँ कि कैसे पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी KBS का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो आप कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, अगर एग्ज़ाम निकल जाए तो अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी KBS का किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 अभी बना रहा हूँ। दोस्तों, आज से शुरुआत कर रहा हूँ, देखता हूँ कि एक महीना में कितने तैयारी कर पाता हूँ। और आप लोग भी तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है आपके पास, एक महीना मुश्किल से बचा हुआ है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी पढ़िए और जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए, कितना बेरोज़गार बैठे रहोगे दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं और आप लोग भी पढ़िएगा ज़रूर, ऐसे ही मत रहिएगा, क्योंकि बेरोजगारी बड़ी कुत्ती चीज़ होती है साली, कभी भी पलट सकती है दोस्तों। तो आप लोग भी पढ़िएगा और मुझे भी पढ़ने दीजिए। तो चलिए, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं अभी GK का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हालांकि GK में 20 क्वेश्चन में 12-13 क्वेश्चन बन जाते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। अब देखते हैं, एक महीना टाइम बचा हुआ है, एक महीना में कितना कर पाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैं अभी रीजनिंग कर रहा हूँ। रीजनिंग में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, सिर्फ डिफरेंस दे दिया हुआ और अगला सीरीज पूछा कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, रीजनिंग में तो पूरा इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मुझे तो कंप्यूटर और इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखते हैं कि एक महीना में कर पाता हूँ कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अभी 11 बज गए हैं और मैं कंप्यूटर क्लास पढ़ रहा हूँ यूट्यूब में अड्डा 24/7 से। तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके नज़र में कोई अच्छा टीचर है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या एक टीचर ठीक है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए मैं पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कंप्यूटर क्लास कर लिया हूँ और अभी 12 बज गए हैं और मैं खाना नहीं बनाया, तो चलिए खाना अभी बना रहे हैं। और आप देख सकते हो कि कितना सिंपल खाना मैं बना के खाता हूँ, दाल भात चटनी। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, मैं खाना वाना खा के अपने स्टडी टेबल पर आ चुका हूँ और अभी मैं सेट नंबर 2 बना रहा हूँ फिर से, क्योंकि मैंने सेट नंबर 1 सुबह मैंने बनाया था और अभी मैं दोपहर में सेट नंबर 2 बना ले रहा हूँ। उसके बाद मेरी कंप्यूटर क्लास और SK झाके पर साइंस की क्लास चलती है, वहाँ पर फिर भी जाना है। तो चलिए मैं बनाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि क्या करना है। तो दोस्तों, टाइम हो गया है मेरी कंप्यूटर क्लास और साइंस क्लास का। तो दोस्तों, 3 से 4 कंप्यूटर क्लास चलती है और 4 से 5 साइंस की क्लास चलती है। और आज भर ही क्लास है दोस्तों, क्योंकि कल से सरस्वती पूजा और 26 जनवरी की छुट्टी है और 30 तारीख से वापस हमारी क्लास चालू होगा। तो मैं तो कल घर जा रहा हूँ, तो चलिए मैं आज घर अपनी क्लास कर लेता हूँ, उसके बाद घर में देखेंगे कि घर में क्या करना है। तो चलती है, मिलते हैं जल्दी ही। तो दोस्तों, मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी है और अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी गांधी मैदान आया हूँ, पटना गांधी मैदान। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ काम है, जो काम तो आया था जिस काम के लिए,
वो काम तो हुआ नहीं और मैं अभी गांधी मैदान के पास खड़ा हूँ बस के लिए, क्योंकि मुझे वापस रूम भी जाना है। तो दोस्तों चलिए बस का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ देर पहले ही रूम पर आ चुका था और कल मेरी ट्रेन है सुबह के 6 बजे, तो मैं अभी सारा सामान बैग में पैकिंग कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सुबह टाइम मिलेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं सो के उठता हूँ लेट से, जल्दी अगर नहीं उठ पाया तो सुबह मैं सामान को पैक नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं अभी ही पैक कर ले रहा हूँ। जो जो मुझे घर ले जाना रहता है साथ में वो सारा सामान अभी मैं पैक कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए पैक कर लेते हैं, और कुछ किताबें भी पैक कर ले रहा हूँ, जो KVS का किताब वो भी लेते जा रहा हूँ, हो सके तो वहाँ पर जाकर पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं 10 दिन, कम से कम 10 दिन तो गांव में रहूँगा ही रहूँगा, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी 3 फरवरी को CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका 3 फरवरी को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसके लिए मुझे 3 फरवरी को रांची जाना पड़ेगा। तो मैं अगर पटना वापस आ जाता हूँ तो फिर मुझे पटना से वापस रांची जाना पड़ता है, जो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के एक ही बार मैं 5 तारीख तक वापस आने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों रात के 10 बज गए हैं और मुझे ये वीडियो एडिटिंग भी करनी पड़ेगी और अपलोड भी करना पड़ेगा, और ये वीडियो मैं कल सुबह अपलोड कर दूँगा। और अगर मैं अभी एडिटिंग करके जल्दी नहीं सोऊँगा तो मैं फिर कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगा, जिसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट भी सकती है, तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, और अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय दोस्तों।